नमस्कार मतलब इतना टैलेंट जब एक मंच पर होता है मेरे साथ में तो शब्द नहीं निकलते मन करता है बस मंत्र मुग्ध देखते रहो और सुनते रहो आज मैं वही करने वाला हूं क्योंकि एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात बहुत तरीके से अब कही भी जा रही है वो ये है एक फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि उनको उनको ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था उनको ये डर था गाली गलौच हुई उनके साथ एक और फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि अब प्रसाद की तरह केसेस चाहे वो यूएपीए के हो या और केसेस हो वो थोपे जा रहे हैं प्रश्न हमारा यही कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या दायरा सिकुड़ता जा रहा है तीन बड़े मेहमान तीनों ही मेहमान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं रवीना मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूँ क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है या दायरा सिकुड़ रहा है आ, मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आज़ादी है आ, बहुत जरूर है आ, पहले भी थी अभी भी है लेकिन ये जो हमारा परसेप्शन है वो शायद सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सदियों से ऑलवेज़ हर किस्म की या किसी न किसी तरह की आ, एक पाबंदियां लग जाती थी एंड ये मैं अभी से नहीं कहूँगी मैं 10 साल पहले से नहीं कहूँगी मैं आ, आ, मैं बात कर रही हूँ जब से शायद आ, एक अवेयरनेस बढ़ी है मुझ में भी और हमारी इंडस्ट्री पे तो ऑलवेज़ रहा ही है आप काफ़ी बातें हैं जो कभी कभी खुल के नहीं कह सकते यस अंडरस्टैंडबली yes, के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं लेकिन आजकल वो जो एक परसेप्शन है कि किस लेवल पे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे वो सिकुड़ता जा रहा है आज़ादी शायद है उतनी लेकिन मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट्स का जो एक परसेप्शन है कि कहाँ लाइन था हम आई एम अ सिंधी आई एम हाफ सिंधी आई एम हाफ पंजाबी तो मैंने अपने ऊपर पंजाबी जोक्स भी सुने और साथ में हंसी हूँ मैं मेरे मेरी मम्मी मेरे पूरी इंटायर फैमिली मेरे हस्बैंड सिंधी हैं सिंधियों के ऊपर भी जोक सुने और हम हंसे हैं दिल खोल के हंसे हैं तो हर बार ये होता था कि हाँ ठीक है पर आज शायद वो जो परसेप्शन है कि हम कहाँ तक एक एक जो क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो आई फील वो थोड़ा चेंज हो चुका है इट इज़ वॉट आई फेल्ट यूज टू बी अर्लियर इन डिफरेंट फॉर्म्स कितनी सारी ऐसी पिक्चरें बनी हैं विच डिड नॉट सी लाइट ऑफ द डे चाहे वो हमारे uh, uh, गुरुओं पे हो या uh, किसी भी यू नो कम्युनिटी यू uh, uh, you know, जिन को हम वोशिप करते हैं okay. और उन पिक्चरों को अच्छे लाइट में उन गुरुओं को अच्छे लाइट में भी दिखाने की uh, uh, कोशिश या पहचान उनकी पहचान बढ़ाने की कोशिश थी कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जहां हम उसको नीचा दिखा रहे थे लेकिन काफ़ी वैसी फिल्में बैन भी हो गई कि नहीं हम दिखा ही नहीं सकते चाहे आप अच्छा दिखा रहे हो या जो भी दिखा रहे हो तो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन इट हैज बीन पार्ट ऑफ एवरी लाइफ आई फील दैट श्वेता आप नई है एक नए प्लेटफॉर्म पर भी है क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या डर है मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती सीरियसली लेने लगे हैं जैसे मैम ने कहा कि ये सब पहले भी होता था अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द रीच दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है हम लोग हम लोग वो फेस वैल्यू पे लेते हैं ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है तो चाहे वो सेंसरशिप हो चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो एज uh, an आर्टिस्ट एंड एज ए ह्यूमन बींग वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे या टाइम स्पेंड करेंगे जो आपकी हर बात पे अग्री करते हैं तो ग्रोथ कहाँ होगी और अगर आप आवाज़ों को दबाते रहोगे तो हम क्या सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो सबको इनकरेज करना चाहिए और कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो बात करिए समझने की कोशिश करिए ना कि एकदम उसको शन कर दीजिए एंड अगर प्रॉब्लम है अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको समझाओ ना कि उसको उसका मुँह ही बंद कर दिया जाए आशुतोष आपने तो एक अरसे से इस इस तरह से बदलती परिस्थितियों को देखा है आपका क्या आकलन है मेरा यह सोचना है कि हम बोलना तो दो साल की उम्र में सीख जाते हैं लेकिन क्या बोलना है कैसे बोलना है और कब बोलना है इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और झंझट सिर्फ यहीं पर है बोलने की झंझट नहीं है वो क्या बोलने की झंझट है कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है बस सिर्फ इस चीज के ऊपर हमको काम करना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो थको मत खाओ पियो छको मत देखो भालो तको मत और बोलो चालो बकोमत तो यह वाली जो बात होती है मुझे लगता है सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात में यह बिल्कुल व्यक्ति निष्ठ बात है और व्यक्ति जो होता है वह समाज की इकाई होता है और किसी भी किस्म के विवाद को समाप्त करने के लिए संवाद ही प्रथम तह एक पायदान हो सकता है कि हम और आप संवाद के माध्यम से ही विवाद को समाप्त कर सकते हैं लेकिन अब संवाद के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती कि बातचीत में सबसे पहले तो सत्य हो दूसरी चीज हास्य हो तीसरी चीज उपहास ना हो और चौथी चीज सिर्फ समझाने की इच्छा ना हो समझने की भी इच्छा हो क्या तो जब ये बातचीत के तमाम सूत्र मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर क्योंकि अभिव्यक्ति जो शब्द है अभी क्या क्या टॉपिक है अपना कि अभिव्यक्ति की आजादी तो अब इसको तोड़ दीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात चल रही है ठीक है तो बात जब अभी उपसर्ग लग जाता है व्यक्ति किसी भी शब्द के साथ और अभिव्यक्ति बन जाता है तो फिर उसमें गहनता अपने आप में शामिल हो जाती है उसके अंदर हमारा परिष्कार अपने आप में शामिल हो जाता है तो वो अभिव्यक्ति है यानी व्यक्ति की गहनता व्यक्ति का परिष्कार तो जब अगर हम परिष्कार की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो परिष्कार के लिए तो हमेशा सदैव आज़ादी रही और वो तो हमारा अधिकार है कितनी, कितनी गंभीर बात कर गए और कितने सहज तरीके से आप दो बड़ी बातें और इन पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि आपने कहा बोलो बकोमत दूसरा हास हो परिहास ना हो उस पर भी हम आएंगे लेकिन उससे पहले क्या कलाकार अब रवीना अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं एटलीस्ट ऐसी कोई समस्या मेरे सामने तो नहीं आई uh, हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो uh, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत फैल गया है आप फॉर uh, एग्जांपल अगर एक मैं स्टेटमेंट दे दूँ uh, ट्विटर पर जो आजकल है ट्विटर है एंड इंस्टाग्राम है एंड यू गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर यू आजकल हमारा हिंदुस्तानी वर्जन कू भी निकला है तो अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया आई लव माई डॉग हिज नेम इज़ ब्लैकी प्लेन एंड सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन उसके दस इंटरप्रिटेशन निकलेंगे वाई डू यू लव योर डॉग यू डोंट लव योर कैट क्यों कैट्स का क्या है दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कैट्स आपने क्यों नहीं बोला आई लव ऑल स्पीसीज आपने ये क्यों बोला कि यू ओनली लव योर डॉग एंड वाई ब्लैकी आई यू बींग रेसिस्ट ये जो हमको बैकलैश मिलती है एक भी स्टेटमेंट से दैट इज समथिंग आई गेस यू जस्ट हैव टू इग्नोर एंड मूव ऑन आई थिंक हम लोग सब अब उस मुकाम पर आ गए कि दैट वन स्टेटमेंट अगर आपने बोला एंड अगर आपने स्माइली एमओजीज़ नहीं डाले या आपने स्माइली एमोजीज़ भी डाले तो सच अ सीरियस मैसेज हाउ यू गिविंग विथ स्माइली एमोजीज़ ज़रूर इसका कुछ इसमें एंगल है उसमें दस एंगल निकलते हैं

तो इसीलिए क्या कलाकार संकोच करने लगते हैं कि मन की बात करते ही नहीं, नहीं या मन की बात करने में घबराते हैं करते हैं लेकिन जैसे सर ने कहा कि बोलो और बको मत तो एक जो स्टेटमेंट है आप अपना बोल दो एंड मेक श्योर दैट इट कम्स अक्रॉस क्रॉस क्लियरली एंड इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एंड जस्ट बी एज क्लियर एंड एज ऑनेस्ट एंड एज यू कैन बी एंड आई थिंक यूल बी एप्सली फाइन आशुतोष जी क्या आपका भी यही मानना है कि मन की बात करो डरो नहीं लेकिन कुछ कलाकार क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने मन की बात करेंगे तो हो सकता है काम भी ना मिले भैया ये मेरे मन की बात है मेरे मन की बात पे आपका आई एस आई मार्कर लगे इस बात को के लिए मैं आपका मन कैसे तैयार करवा सकता हूं मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं मेरे मन की बात में आपके प्रति हुज़्जत नहीं है आपकी इज्जत है तो मुझे आ, मुझे लगता है कि जब हुज्जत की जगह इज्जत हमारे संवाद में शामिल हो जाती है तो आ, कई किस्म की समस्याएं अपने आप समाप्त समाप्त हो जाती हैं जैसा कि अभी रवीना जी ने एक बात कही कि एक स्टेटमेंट के कई अर्थ होते हैं गौरव मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी थी कि बुद्ध बैठे थे और बुद्ध के सारे शिष्य थे उसमें एक चोर भी शिष्य था एक नगर वधु भी शिष्य थी एक वेद पाठी भी शिष्य था सारे लोग बैठे थे बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा कि रात बहुत हो गई है अब आराम करो क्योंकि तुम्हें अच्छा काम करना है एक जिज्ञासु था वो नगर वधू के यहाँ गया तो उसने देखा कि वो श्रृंगार कर रही है तैयार हो गई बोले क्यों बुद्ध ने तो कहा है गुरुदेव ने कहा है कि रात बहुत हो गई है आप आराम करो बोले कि उन्होंने कहा है कि रात बहुत हो गई है अब आराम करो तुमको अब काम करना है तो अब मैं उसकी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जा रही हूँ चोर के यहाँ गए तो चोर अपने चोरी के हथियार निकाल रहा था कि कहाँ पे मुझे खड्डा खोद के कहाँ पे सेंध लगानी है और कैसे घुसना है वो उसकी तैयारी में था क्यों क्योंकि उसने उस शब्द का वो अर्थ लगाया और वेद पाठी के यहाँ गया तो वो अपने स्वाध्याय के लिए बैठ गया था कि उन्होंने कहा है कि रात बहुत हो गई है अब आराम करो क्योंकि तुमको बहुत अच्छा काम करना है तो ये आराम की स्थिति तो कहने का अर्थ ये है कि हर स्टेटमेंट व्यक्ति इज़... क्या कहा गया है कि अपेक्षा व्यक्ति क्या सुनना चाहता है इसके ऊपर निर्भर करता है क्या लिखा गया है कि अपेक्षा व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है इसके ऊपर निर्भर करता है क्या दिखाया जा रहा है कि अपेक्षा क्या देखने की इच्छा है इसके ऊपर निर्भर करता है तो उन इच्छाओं के ऊपर जिस व्यक्ति का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है वह व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर नियंत्रित करने की आकांक्षा पाले तो मुझे लगता है कि थोड़ी अनितिपूर्ण बात होगी और मेरा यही मानना है कि ये मेरे मन की बात है दूसरी बात एक और जो टेक्निकल एक समस्या खड़ी होती है जैसे ट्विटर है ट्विटर पे 140 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है अब 140 शब्दों में आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात हुई कि हमने पत्थर मारा और चले गए फिर हमने ये कह दिया कि टाइम स्पेंड इतना हो गया सर ज़्यादा बड़ी बड़ी बात पोस्ट मत लिखा करिए कित किसके पास इतना समय है पढ़ने के लिए तो जो बात इसकी बात आ रही है कि भैया हमने तो आपसे कहा नहीं कि आप आके पढ़ो आप बिल्कुल मत पढ़ो अगर आपके पास समय नहीं है दूसरी चीज़ अगर मैंने बड़ी पोस्ट लिखी है तो मैंने आपके समय से समय चुरा के नहीं लिखी भाई ये मैंने मेरे समय का सदुपयोग किया किसी से समय उधार नहीं लिया है तो वो वाली जो बात होती है दूसरी चीज एक और जो मानसिकता जिसके कारण ये हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल जली जलाई बिड़ी से बिड़ी जलाने का शगल है कि आपके पास अपनी माचिस नहीं है अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो किसी एक सिद्ध व्यक्ति के ऊपर आप आइए उसकी बैशिंग कीजिए आप डेढ़ मिनट में किस बात की हो जाएगी कि बोले कि क्या हुआ बोले रवीना टंडन को यार उस आदमी ने बहुत सुनाई किस आदमी ने चूंकि रवीना जी ने 30 वर्षों का इनका फिल्मी करियर रहा है एक मकाम हासिल किया है एक, एक एक्टर के रूप में अब मेरे पास उतना समय है नहीं है मुझे चाहिए इंस्टेंट चीज फेम तो मैं क्या करूंगा इनको अपने पास बाजू की कुर्सी पर बिठा लूंगा या इनके किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई बात करूंगा और उस बात के ऊपर क्यों क्योंकि एक चीज हम तक ये भी पहुंचती है कि भाई संवाद नहीं बिकता लेकिन विवाद बिक जाता है तो ये मानसिकता के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या सचमुच में विवाद विकता है या हम विवाद के विक्रेता हैं या विवाद के हम जन्मदाता हैं या विवादों को ही हम जन्म देना चाहते हैं मैं तो इनफैक्ट आपसे पूछना चाहता हूं गौरव आप चौथा स्तंभ हैं अभिव्यक्ति का अधिकार आपके पास है आपका क्या एजेंडा है भैया हम तो केवल सच दिखाते है। जो समाज में कहने का मतलब ये है कि ये जो कहने का मतलब यह है कि ये अभिव्यक्ति की जो बात है तो इसके तो जिसको कहना चाहिए कि ध्वजावाहक है? आप हैं हम आप लोग आपसे मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आज तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूं तो नैरेटिव तो जो है बंधु अगर विवादों को आप दिखाना बंद कर दीजिए कल से हम विवाद करना बंद कर देंगे अगर हम कोई चीज कलात्मक और रचनात्मक चीज कर रहे हैं उसको अगर आप लाइमलाइट देना शुरू करें तो हमारा विश्वास आज नहीं तो कल ये पड़ेगा कि नहीं साफ प्रसिद्ध तो हो सकते हैं लेकिन ये प्रसिद्धि के को प्रश्रय देने वाले लोग नहीं हैं ये सिद्धि के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं और अब हम सकारात्मक कामों को करेंगे क्यों क्योंकि अगर हमें सिद्धि चाहिए तो सकारात्मक कामों को पहले पन्ने पर स्थान दिया जाता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो आपने आप हमें कीचड़ में डाल दो तो हम तो पीपल टाइप के आदमी हैं हम वहां पे भी कपड़े अपनी आ, आ, हम अपने आप को सच में जो श्वेता ने बड़ी अच्छी बात की मैं अपने आप को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता लेकिन अपने काम को गंभीरता से लेता हूँ और लोग हाँ। अपने आप को गंभीरता से लेते हैं लेकिन अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते तो झंझटें जो होती हैं गौरव कहने का अर्थ हमारा यह है कि झंझट झंझट अगर हम समाधान सुझाने की हम और आप आज की तारीख में तय कर लें कि नहीं अब तो सिर्फ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं अब तो कनेक्ट ही दिखाया जाएगा आप विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए महीना भर लगेगा और हम देखेंगे कि एक से एक क्रांत अपना देश इतनी विलक्षण सकारात्मक प्रतिभाओं से भरा हुआ देश है निसंदेह इतना सकारात्मक प्रतिभाओं से बड़ा हुआ देश है लेकिन चूंकि जिसको हम कहते हैं हर आदमी के अंदर इच्छा होती है लाइमलाइट में आने की हर आदमी के अंदर इच्छा होती है मुख पृष्ठ पर छपने की जब ये बात कही जाती है कि दुनिया के दस सफल आदमियों का नाम बताइए तो हम उनकी वेल्थ छापते हैं

कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, की जाती हैं। इसमें एक और जोड़ देता हूं प्लीज नहीं तो क्या होगा हम एक्टर्स की तरफ से बैठे हैं, जैसे आप प्रतिबिंब दिखाते हो ना कसम से भगवान कसम जो सिनेमा या साहित्य होता है वो भी समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता रिफ्लेक्शन ही होता है भैया तो तुम अपने आप को रिफ्लेक्शन मान रहे हो तो हमको रिप्रेजेंटेटिव क्यों मानते हो और हमको क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हो बिकॉज ऑफ ये जो है ये सिनेमा है इसके कारण हमारी सारी चाल बिगड़ गई हम भी रिफ्लेक्शन ही है तो हम मतलब भी एक प्रतिबिंब ही है अब श्वेता बता दो तो, बहुत पूछा है जो क्या ये कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है लोकप्रियता के लिए uh, मैं पहले उस डर के बारे में बात uh, कुछ कहना चाहूँगी कि एक एक्टर का जो एक अदर इनबॉक्स होता है ना चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो वो बहुत ही गंदी जगह होती है क्योंकि वहाँ पे आपके फैंस या आपकी ऑडियंस को लगता है कि वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं अगर आपने जैसे मैम ने बोला कि अगर आपने ब्लैकी के बारे में बोला तो वो आपसे कहेंगे पर ये क्यों वो क्यों नहीं अब ये आपकी ओपिनियन है ये आपको जो लगता है तो अगर कोई अग्री नहीं करता है किसी को अग्री करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या मैं जो सोचती हूँ या जो मैं बोलना चाहती हूँ क्या वो मैं ना करूँ और ये मेरे साथ हुआ था दो साल पहले जब आई वॉज़ वोकल अबाउट समथिंग एंड मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज़ uh, मैं डरना नहीं चाहती हूँ मैंने कभी नहीं सीखा है कि आपको दबना चाहिए किसी चीज़ से अगर आपको कुछ ठीक लगता है uh, लेकिन पहली बार मुझे वो डर महसूस हुआ क्योंकि लोगों ने मुझे मैसेजेस स्टार्ट किए करने कि हम आपका काम नहीं देखेंगे एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं बैंड्रा से अपने घर जा रही थी एंड आई वॉज शेकन अप आई वॉज वेरी बैडली शेकन अप एंड आई स्पोक टू अ फ्यू एक्टर्स सीनियर्स की क्योंकि जो बहुत टाइम से एक स्टैंड ले रहे हैं और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये स्टैंड कैसे लेते हो क्योंकि जब तक अगर आपके काम पे बात आ गई है तब आप क्या करोगे अगर लोग मेरा काम नहीं देखेंगे आप मुझे नापसंद करो नो no प्रॉब्लम लेकिन मेरा काम सफ़र नहीं करना चाहिए एंड देन सम्बरी शी सेड कि यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम डर जाओ यही तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा विकेट डाउन नहीं हो सकता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को समझाने के लिए नेक्स्ट दिन इनफैक्ट मेरे एक शॉर्ट फिल्म का शूट था जहाँ पे आई जस्ट स्टूडेंट स्टॉप क्राइंग एंड तब भी मुझे लग रहा था कि दैट्स नॉट फेयर टू माई डायरेक्टर क्योंकि आई एम हियर एज एन एक्टर अब मैं पोलिटिकल या फिर सोशली जो भी स्टैंड ले रही हूँ वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे काम को लेकिन एज एन एक्टर वही कि हमारा जो जॉब होता है बहुत साइकोलॉजिकल होता है बहुत इमोशनल होता है फिजिकल होता है बहुतों को लगता है कि अरे एक्टर होना मतलब क्या बात है लेकिन नाउ आई थिंक बहुत आसान बात है लेकिन नाउ थैंक्स टू ओ टी टी थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म थैंक्स टू द काइंड ऑफ स्टोरीज जो अब बाहर आ रही हैं आई एम श्योर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉट ऑल गोज़ बिहाइंड टेलिंग अ स्टोरी एंड जैसे uh, सर ने बोला कि हम लोग भी रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं सो यू कैन नॉट पनिश आस अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर करें एक तो uh, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि कैरेक्टर ब्लैक वाइट ग्रे नहीं होते हैं हर कैरेक्टर कलरफुल होता है सब में किसी में डॉन में येलो भी हो सकता है या फिर एक प्यारी सी लड़की में थोड़ा ब्राउन भी हो सकता है एज कलर्स तो हम सब हम सब यहाँ जो बैठे हुए हम सब में कुछ बहुत सारे रंग हैं। लेकिन तो आपने एक बड़ी बात की कैंसिल कल्चर की कि ये डर रहता है कि हमें कैंसिल ना कर दिया जाए हमारा काम देखना ना बंद कर दिया जाए आप तीस वर्ष से लाखों दिनों पर राज कर रही हैं तीस वर्ष पहले आपने पहली फिल्म की थी अब आप एक नए प्लेटफॉर्म पर एक, एक नया आरंभ कर रही हैं कैंसिल कल्चर से डर लगता है या डर लगना चाहिए कोई नहीं रोक पाया प्रतिभा है तो कोई नहीं रोक पाएगा कोई नहीं रोक पाया और ना कोई रोक पाएगा ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं थी uh, मैं हाल ही की बात बताती हूँ कि uh, और एक्चुअली मैं इनके बात पे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि हम एक्टर्स के साथ एक और चीज़ बहुत बहुत तरीके से होती है कि अगर uh, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या हम कोई एक स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के बारे में एक तो स्टैंड नहीं लो तो ये सुनने को मिलता है क्या हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वॉइस इंडस्ट्री की वॉइस को क्या हुआ मुंह बंद हो गए कोई खड़ा नहीं होता कोई कुछ बोलता नहीं है और अगर स्टैंड लो तो उल्टा ये सुनने को मिलता है अरे आप तो एक्टर हैं यार एक्टिंग ही करो पॉलिटिक्स आपका नहीं है यू you नो know, या ये कंट्री uh, uh, के बारे में बोलना आपका नहीं है देश के बारे में बोलनी आपकी बात नहीं है क्यों नहीं है भाई डोंट आई वोट

मेरे बच्चों के लिए आपके बच्चों के लिए सबके बच्चों के लिए हमें किस ओर ले जाना है हमारे देश को क्या हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट right नहीं है बोलने के लिए तो वो जो एक बात है वो एक कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन है वो सुनने में आती है बट आई फील इट इज़ अप टू यू आपके अंदर जो है जो आपके अंदर की आवाज़ है जैसे सर ने वो कहा कि आपको अपना ओपिनियन रखना है और हम रखेंगे और आप एक पूरा एक्सप्लेनेशन वो 140 कैरेक्टर्स में नहीं दे सकते हो और देने की आवश्यकता है या नहीं है और क्यों आशुतोष जी मन की बात तो करनी चाहिए कैंसिल कल्चर आजकल बहुत कहा जा रहा है कि अगर मन की बात की तो हम हमको काम नहीं मिलेगा कुछ अभिनेत्रियों ने इस तरह की बात हाल फिलहाल में की भी और यूए केसेस तक कहा कि अगर हम मन की बात करते हैं तो यूएपीए केसेस लग जाते हैं सिडिशन राजद्रोह का मामला लग जाता है तो आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको देखिए ये जो कैंसिल कल्चर की बात कर रहे हैं इसका थोड़ा सा फलक आपको फैलाना पड़ेगा ये अकेला सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता है, किसी भी धंधे में नहीं होता पॉलिटिक्स में अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो क्या करता है जनता क्या करती है उस लीडर को कैंसिल कर देती है रिजेक्ट कर देती है घर पे बैठा देती है दूसरे लीडर को सिलेक्ट करती है ठीक ये होता है कंपनियों में हम जिस मंच पर बैठे हैं ऐसे कितने लोग होंगे जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिली होगी आज तक में अच्छा काम करने की पता लगा वो डिलीवर नहीं कर पाए कैंसिल कल्चर हो गया और आपको घर पे बिठा दिया गया ये जो बात है कि कैंसिल कल्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे तो कैंसिल कल्चर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके काम की को परिष्कृत भी करने की दिशा में आपको प्रेरित करता है कैंसिल आप काम के कारण कर रहे हैं या कैंसिल आप व्यवहार के कारण कर रहे हैं हो सकता है मैं बहुत कमाल का जादूगर अभिनेता हूं लेकिन बहुत मेरा बुरा व्यवहार है तो आप मुझे क्यों लेंगे सिर्फ जादू ही अभिनय के लिए आप ये कहेंगे कि भाई साहब जो चीज है अभिनेता हम अच्छा बनवा लेंगे लेकिन व्यवहार तो मुझे रोज का करना है आपके साथ तो बेहतर है कि एक व्यवहारी अव्यवहारिक व्यक्ति को मुझे किनारे बिठा देना चाहिए अब बात जिस पे से निकली है जो अभी रवीना जी ने एक चर्चा करी अभिनेता या किसी भी कलाकार के पास हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ कहलाते हैं ठीक लेकिन जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनके दस्तखत अथॉरिटी कहलाते हैं हमारे द्वारा बोला गया शब्द विचार कहलाता है लेकिन जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनके द्वारा बोले गए शब्द नीति कहलाती है तो विचारों से दिन दुनिया नहीं चलती है देशों के निर्माण नहीं होते हैं समाजों के निर्माण नहीं होते हैं वो नीतियों से निर्माण होते हैं तो अभिनेता के पास या किसी भी कलाकार के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है कि वो आपकी परिस्थिति बदल पाए या ना बदल पाए लेकिन वो आपकी स्थिति ज़रूर बदल देता है जब उसकी शक्ल के ऊपर आपकी निगाह पड़ती है और आप कितने ही दुख में चले जा रहे हो आधा सेकेंड के लिए आपके मुख पर एक मुस्कान आ जाती कि अरे शीज रविना टंडन हाँ यार इन्होंने अखियों से गोली मारे बड़ा अच्छा गाना किया था और फिर आप निकल जाते हैं तो जो मन स्थिति बदलने वाली बात है तो मन स्थिति हमेशा एक कलाकार बदल देता है गौरव और हमारा ये मानना है कि मन चंगा अपने देश में कहा जाता है तो कटौती में गंगा तो मन बदल दो परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं तो नजर को बदल दो नजारा बदल जाता है सोच को बदल दो सितारा बदल जाता है और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं दिशा को बदल दो किनारा बदल जाता है क्या बात क्या बात श्वेता क्या आपका भी यही मानना है गुरु जी। <laughs> क्या आपका भी क्या भी गुरु जी से सहमत है बिल्कुल मुझे वही लगता है कि ना हम पुतले हैं ना हम पपिट हैं और चाहे जितना भी कोई डरा ले आई थिंक हम यहां पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम डरे नहीं और नहीं ही कभी डरने वाले क्या है अभिनेता हो या नेता हो ये समाज की निर्मित होते हैं गौरव ये निर्माता नहीं होते हैं जब वो हमारे हमें हमारी फिल्म देखने के लिए घर से निकलते हैं तब हम थिएटर हॉल में चल पड़ते हैं जब वो हमें सराहते हैं तो हमारे अंदर सराहना के लिए किए जाने वाले काम का जज्बा पैदा होता है वो पैसे खर्च करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं क्योंकि मन का संबंध है तुमने तुम्हारे अंदर वो हम पावर दे रहे हैं कि अब तुम हमारे मन की रेखा को बदल पाने में तुम सक्षम हो तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अभिनेता या कोई भी नेता जो होते हैं वो निर्माता नहीं होते वो समाज की निर्मिति होते हैं हमारे और आपके बीच में हम क्या अभिनेता बनते ही साथ अब समाज नहीं रह गया हम समाज हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि जात जात में जात है और जात जात की जात और अभिनेता जात अजात है बस सब जातन में जात अब जात से संबंध सिर्फ कास्ट से मत लीजिएगा जात से संबंध चाहे वो बर्लिन का आदमी हो चाहे वो बरेली का आदमी हो चाहे वो कनाडा का आदमी हो या करेली का आदमी हो तो गो, गोहाटी से लेके चौपाटी तक की बात हो और चाहे अटक से लेके कटक तक की बात हो वो सब कहीं फैला हुआ है क्यों क्योंकि कला का जो दायरा होता है वो सीमित दायरा नहीं होता जैसे विज्ञान का दायरा सीमित नहीं होता कि अगर कोई इंजेक्शन अमेरिका में बनता है तो क्या वो भारतीय काम नहीं करेगा कोरोना की तो, एक वैक्सीन अगर मान लीजिए बाहर बनी तो क्या हमारे ऊपर और आपके ऊपर काम नहीं करेगी वैसे दो वैक्सीन तो भारत में बनी और दुनिया को दुनिया में इलाज जा दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे विज्ञान का फलक विज्ञान का आसमान वो सबका होता है वैसे ही कला भी जो होती है वो सबकी होती है उसको आप और हम एक सीमित दायरे में जब बांधने की आ, का प्रयास करते हैं तो वो व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग भी एक जब बड़े तरीके से होती है और कुछ कलाकारों का ये भय है वो कहते हैं जैसे एक कलाकार ने कहा कि हास्य हार गया घृणा जीत गई बारह शो कैंसिल हो गए जेल की नौबत आ गई तो कहा कि कला हार गई और घृणा जीत गई ये जो कैंसिल कल्चर है कि वो फिर धनोपार्जन नहीं कर पा रहे पैसे नहीं कमा पा रहे अपनी कला को नहीं दिखा पा रहे तो क्या वो समाज को दिशा दिखाना चाहते थे या समाज के दिखाए रास्ते पर नहीं चले तो रवीना जी उनके साथ ऐसा हुआ आप किस रूप में देखेंगी इसको कि अगर किसी कलाकार के बारह शो कैंसिल हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं हार गया अब मैं थक के बैठ रहा हूँ तो ये क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है या नहीं देखिए ऊंच नीच और चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आती हैं कठिनाइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती है हमने भी फ़ेस किया हुआ है ऐसी बात नहीं है नहीं फेस किया हुआ है मैं आपको बताऊँ कि मैं एक आ, मैं और एक प्रोडक्शन कंपनी साथ में जुड़े थे और हम लोग नरेट कर रहे थे एक मोहदरम आई थी और उनको हेड थी वो एक प्लेटफॉर्म की और हमें उनको नरेट करना था तो हमने नरेट किया और हमारा ऑलरेडी अप्रूव था काफ़ी जगह वो शो एंड मुझे उनका बिहेवियर मेरी तरफ कुछ बहुत ही ऑर्ड लगा मैं कभी लाइफ में उनसे मिली नहीं थी पहले एंड बहुत स्टैंड ऑफिश था और बहुत ही कुछ अलग तरीके का व्यवहार था तो मुझे समझ में नहीं आया और मैंने जैसे ही वो निकली कमरे से तो मैंने और वो एक तीसरे इंसान के साथ बहुत प्यार से बात करनी थी लेकिन जब हमारे साथ रूम में थी तो बड़े कुछ यू नो डिसमिसिव तरीका था उनका तो हम लोग को समझ में नहीं आया ये क्या था और ये मेरे साथ बैठे थे मेकर्स ऑफ बहुबली एंड हम लोग सब साथ में बैठे थे और हम लोग साथ में प्रोडक्शन कंपनी हमारी थी तो हमने कहा यार ये तो कुछ बिहेवियर अलग ही है तो जब वो गई तो हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या थी बाद में बहुत कुछ हमें समझ में आया कि उनको पहले बात तो बहुबली से जो फिल्म थी उससे थोड़ी उनको कठिनाइयाँ थी क्योंकि उनको लगा वो नेशनलिस्ट फिल्म है बहुत ही कुछ उन्होंने ऐसे भी रिव्यू लिखे थे कि उसमें ये नहीं दिखाया गया था मिक्स कल्चर नहीं दिखाया गया था क्यों ऐसा कल्चर दिखाया गया था तो हम लोग को बाद में समझ में आया कि उनका जो स्टांस पोलिटिकल स्टांस था वो किसी और ही एंगल से था सो so, अनफॉर्चुनेटली उनके जो पोलिटिकल व्यूज़ थे शी ब्रॉटेड एट आ वर्क प्लेस विच आई थिंक वॉज रॉन्ग हमको कोई कठिनाई नहीं हुई दे लॉस्ट आउट ऑन द शो वी गॉट अ शो विद अर वेरी बिग ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड वी वेरी हैप्पी विद दैट बट ऐसा भी होता है और मेरे साथ भी हुआ है ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यू नो न्यू कमर्स के साथ होता है या बडिंग आर्टिस्ट के साथ होता है सबको ये बह रहता है बट आपकी क्या कन्विक्शन है और आप में कितना दम है कि आप उस पथ पे डटे रहो और बोलो नहीं यार मैं नहीं हारूंगा मुझे not, अगर ये शो नहीं मिला है मैं अपना फुटपाथ पे शो करूंगा लेकिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ और सर मुझे तीस साल हो गए हैं अभी तो ऐसी बात नहीं है कि इट्स बीन अ पाथ ऑफ रोजेज इट्स बीन अ बेड ऑफ रोजेज नो तो इट हैज़ नॉट तो थोड़ा और कन्विक्शन एंड आई प्रे एंड आई आई विश दैट पर्सन ऑल द बेस्ट मुझे रियली पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं

किसी एक धर्म विशेष का उपहास अगर हो तो लोग आहत हो जाते हैं और क्या कलाकारों को इससे बचना चाहिए कि हंस पर हंस हो उपहास ना हो देखिए एक होता है कला में जब आप बात कर रहे हैं कला की जब हम पूरे फलक की बात करते हैं तो कला क्या है आपके छह रस होते हैं आपके नौ no, अभी उन्होंने का नौ हो भाव होता है विभाव होता है अनुभाव होता है आलंबन होता है विपन्न होता है उन्होंने का दैहिक अभिनय भी होता है आंगिक अभिनय भी होता है वाचिक अभिनय भी होता है भाविक अभिनय भी होता है तो कई किस्म की जो तमाम चीजें होती हैं और जैसा कि अभी आपने ही चर्चा की शुरुआत में कहा कि कला क्या है साहब रिफ्लेक्शन है समाज का तो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब क्या काम करता है प्रतिबिंब यह काम करता है कि बिंब अपने आप को आईने में देख ले और अगर उसको लग रहा है कि यार बाल ठीक नहीं है बटन खुली है और उसको लगता है कि लगा लेनी चाहिए तो वो बटन लगाने का काम कर लेता है तो प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रहने दें और दूसरी चीज यह है असहमति विरोध और वैमनस्य इसके अंतर को हमें समझना होगा तो मैं 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 पचास किस्म से आप आपसे आप मेरे विचार से विरोध हो तो इसका यह मतलब थोड़ी कि आप मेरे वैमनस्य का, का भाव मेरे प्रति आपके मन में भर गया क्योंकि वैमनस्य जो होता है वो व्यक्ति के प्रति होता है और विरोध जो होता है वो विचारों के प्रति होता है तो विचार के प्रति असहमति व्यक्ति के प्रति असहमति नहीं होती है वहां पर व्यक्ति के साथ जुड़ाव की भी संभावनाएं बाकी रहती हैं, जैसा कि हमने एक बार आपसे ही चर्चा करते दौरान कहा था कि मां कह देती है जिस ने नौ और उसने कहा कि इससे अच्छा तो यह मर जाता तो क्या मान लेकिन जब उस बच्चे को बुखार आता है तो वो मां रात भर ठंडे पानी की पट्टी लेकर उसके सिराने बैठी रहती है तो इस बात को हमें भी समझना होगा एक समाज के रूप में कि हर चीज 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 नहीं होती कि हर चीज आपको शूट करने के लिए कही गई है आप मेरी बात से असहमत हो जाइए मुझे गाली दे दीजिए ठीक है साहब दे दीजिए गाली आपके पास जो है आप वह मुझे दे रहे हैं यह मेरा दायित्व है कि मेरे पास जो है वो मैं आपको दूं। तो क्यों क्योंकि शेर दहाड़ता है हाथी चिंगाड़ता है कुत्ता भाषण करता है और मनुष्य भाषण करता है अब अचानक मनुष्य दहाड़ने लगे हाथी जो है वो भाषण करने लगे और शेर जो है वो मतलब चिंगाड़ने लगे तो आपको शेर के शेरत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हाथी को भाषण करते सुन के आपको लगेगा कि नहीं ये हाथी की खोल में ये हाथी नहीं है क्यों क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति जो है वो इसके स्वभाव के अनुरूप नहीं हो रही है भाषण और भाषण संस्कृत में भोंकने को भाषण कहा जाता है जो कुत्ता करता है बाकिंग जिसको अंग्रेज बाकिंग ही कहते हैं ना अंग्रेजी में बाकिंग जिसको कहा जाता है है ना भोंकना अब उसमें सिर्फ एक की मात्रा लगा ली तो वो मनुष्य के हाथ में भाषण मतलब भाषण क्या होगा कि तथ्य और सत्य के साथ पूरी जागरूकता के साथ मैं आप तक अपने मन की बात रख रहा हूं त्रिकाल सत्य नहीं रख रहा हूं ये त्रिकाल सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है।, है ये मेरा सत्य है कैसे मेरा सत्य है कि मेरा सत्य यह है कि मैं सामने बैठा हूं मैं कहूं कि मेरे सामने तो गौरव बैठे हुए हैं और गौरव के पीछे एक जो बाजू में जो बैठी हुई हैं वो चश्मा लगाए हुई बैठी हैं और सामने कैमरे हैं आप गौरव कहें कि आशुतोष राणा तुम झूठ बोल रहे हो सरासर तुम्हारा क्या बिल्कुल सामने तो स्क्रीन लगी हुई है ये तुम्हारी बात बिल्कुल बकवास है और मैं इससे ना इतफाक ही रखता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि गौरव आप जो बोल रहे हैं वह भी सत्य है और मैं जो बोल रहा हूं वह भी सत्य है आवश्यकता है कि अब एक दूसरे के सत्य को अगर हमें जानना है भाई तो मुझे आपके सामने नहीं मुझे आपके साथ में खड़े होना पड़ेगा जैसे ही मैं आपके साथ में खड़ा हो जाऊंगा मैं कहूंगा कि गौरव आप सत्य कह रहे थे यार स्क्रीन लगी है और आप मेरे साथ आएंगे और आप कहेंगे कि यार आशुतोष आप सही कह रहे थे सामने वो महिला बैठी है एनक लगाए हुए हैं अच्छी लग रही है सामने कैमरा है वो भी बैठा है तो कहने का अर्थ है कि जब हम आमने सामने खड़े हो गए और दोनों लोग क्यों क्योंकि इस जगत में कोई असत्य नहीं बोलता क्योंकि हर आदमी का सत्य होता है और इस जगत में कोई विपक्ष में नहीं होता क्योंकि हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है हर आदमी का अपना पक्ष होता है तो अब हर आदमी का जब अपना पक्ष होता है हर आदमी का अपना सत्य होता है और अगर हम ये कहने लगे कि सिर्फ चार चीजें हैं कि लाभ हानि जीवन मरण और यश अप यश विधिया पूज तुलसीदास जी ये बात कह गए तो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ चार चीजें हैं भाई साहब लाभ हानि यश जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ बाकी की जो चीजें हैं वो क्या है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हें सिर्फ दिया गया एजेंडा है उसको तुम्हारे हिस्से की लाइनें हैं अभिनेता आया है मंच के ऊपर अगर अच्छे से बोल देगा तो तालियां मिलेंगी और अगर फंबल अंबल मारेगा स्टेज पे आके वो डायलॉग भूलेगा अपने हिस्से के काम को ठीक से नहीं करेगा तो लोग उसको हुटिंग कर देंगे कि नहीं, नहीं नहीं इस तो तालियां बनती है भाई इस पर तो जबरदस्त तालियां बनती है लेकिन एक जो बड़ी बात आपने की और श्वेता मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या कलाकार आज ये सोचते हैं कि अगर हमने फला भूमिका निभाई या फला रोल लिया तो सेंसर बोर्ड ही नहीं सुपर सेंसर क्या कहेंगे जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी सोशल मीडिया पे हमारे इनबॉक्स में क्या क्या आएगा आप ये ये सब सोचती हैं रोल से पहले डेफिनेटली ये ये जो थॉट्स वो क्रॉस करती हैं मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा डर नहीं लगता है अब उस डर के बारे में आप क्या करो वो आपके ऊपर है लेकिन जैसे मेरी एक फिल्म थी हराम जो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ की तो मेरे हिसाब से तो वो हमें लव स्टोरी दिखा रहे थे जो कि इज अबाउट अ टीचर एंड अ स्टूडेंट तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम थी कि ये हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इनफैक्ट मसान में भी ये था कि थप्पड़ मारा तो क्या मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या हमारी सोसाइटी में थप्पड़ नहीं पड़ रहा है क्या ये इतना शॉकिंग है कि एक बाप ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा है तो कमिंग बैक टू वैट साइड कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि उस सीन में ये राइटर ने या डायरेक्टर ने क्यों दिखा रहे हैं वो इमोशन समझना वो जर्नी समझना वो किरदारों के बारे में समझना वो बहुत ज़रूरी है तो वो डर एंड इनफैक्ट मिर्ज़ापुर में भी ये हुआ था एक कैरेक्टर है जो अपने डिज़ायर्स के बारे में बहुत वोकल है तो ये भी इशू था कि वो औरत है तो औरत अपने डिज़ायर्स के बारे में शादी के बाद बच्चे के बाद वो कैसे इतनी वोकल हो सकती हैं तो ये सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती हैं कि क्यों तो क्या हम क्या एक ही टाइप के कैरेक्टर्स करें क्या हम एक ही मतलब क्या हम ब्रैकेट में डाल देना चाहिए सबको फिर अगर हम ये करेंगे तो ऑडियंस को प्रॉब्लम होगी ठीक मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उनके पास ना वोटिंग पावर है सिर्फ हमारे देश चलाने के लिए नहीं लेकिन आप जो कंटेंट किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं ये भी मैं बहुत सुनती हूं लोग कहते हैं कि अरे ऐसी-कैसी मूवी आ जाती है क्या दिखा रहे हैं आप मत देखो हर ट्रेलर जो आप देखते हो हर व्यू आप जो करते हो आप वोट दे रहे हो अगर आपको किसी एक्टर का काम पसंद ही आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं था ये कैसे हो गया अब मत देखिए ना वो अब आप वो देखोगे भी शेयर भी करोगे गाली भी दोगे लेकिन जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज का आप उनको नहीं देखोगे या फिर जो जो फीमेल स्टोरीज हैं आप उनको नहीं देखोगे तो कोई पैसा क्यों लगाएगा इट इज़ बिजनेस एट द द एंड ऑफ डे लेकिन वो थॉट जरूर आया था लेकिन अगेन वो अगर डर जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा आपके मन में कभी इस तरह का विचार आया कि ये भूमिका अगर मैंने ये बोला या मैंने ये किया तो जनता को शायद पसंद ना आए या फिर वो भीड़ शुरू हो जाए या इनबॉक्स में क्या है तो मैं नहीं करूंगी देखिए पहली बात तो, वैसे आप तो अभी आने वाले रोल में भी बहुत जबरदस्त फीमेल डोमिनेटेड रोल कर रही हैं आप थैंक यू उस पर आ गए थोड़ा बहुत क्योंकि <laughs> पाँच मिनट रह गए एक मिनट रह गए थैंक यू सो मच बट uh, ज़रूर कहूँगी कि uh, पहली बात तो हम सब एक्टर्स हैं एक किरदार निभाते हैं तो चाहे वो किरदार नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या विलन हो या वैम्प हो या हीरो हो आप एक किरदार निभा रहे हैं तो लोगों को पहली बात तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है वो समझना चाहिए और अगर आप एक बुरा इंसान दिखा रहे हो तो उसकी बुरी आदतें तो दिखाओगे ही तो आप ये नहीं अब बोल सकते कि अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो हम बुरा ये इंसान है उसकी बुराइयां मत दिखाइए क्योंकि लोग कॉपी करना शुरू करेंगे सेटिंग अ रेंग लेकिन रावण तो रावण ही रहेगा और अगर राम हैं तो राम की जीत रावण पे तभी भारी होगी अगर रावण उतना ही इक्वली पावरफुल या ज़्यादा पावरफुल हो तब आपको मजा आएगा जब राम रावण को हराते हैं तो बात वो ही हुई कि आप एक रोल निभा रहे हैं आप एक किरदार निभा रहे हैं तो हाँ ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूर होती है एज अ सिटीज़न एज एन एक्टर के अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अब जो हमारा नेटफ्लिक्स पे शो आ रहा है 10 दिसंबर को रिलीज़ है अरान्या सर हैं आशुतोष जी हैं और मैं और आ, हमने बहुत अच्छे दिन एक्चुअली काटे आ, हिमाचल में शूटिंग करते हुए उस दौरान आ, बहुत ज्ञान प्राप्त किया मैंने जैसे कि अभी जैसे इसलिए मैं तभी से इनको गुरु जी मानती हूँ बिल्कुल आ, हम लोग माइक्स लेके क्यों बैठे थे मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया <laughs> लेकिन जब इनकी बातें सुनने लगते हैं तो हम भी शूटिंग पे बस ऐसे ही जब बैठे रहते थे इनको बस वी टू ओनली लिसन टू द काइंड ऑफ नॉलेज दैट ही हैड एंड कमिंग बैक टू अरण्यक अरण्यक में जैसे मेरा किरदार है कस्तूरी डोगरा का uh, बहुत ही एक, uh, बहुत ही एक uh, हमारी फ़िक्शनल कहानी है लेकिन अबाउट रियल पीपल एंड आई थिंक वो ही मज़ेदार है कि रियल पीपल क्या होते हैं दे आर नॉट परफेक्ट दे आर नॉट दे दे आर फ्लॉड उनमें इनपरफेक्शन्स होती हैं हम औरतें होती हैं हम मल्टी टास्क करती हैं हम अपने घरों को भी चलाती हैं हम अपने जॉब में भी अचीव करना चाहती हैं हम अपने पेरेंट्स को uh, अपने इन लॉज को खुश रखना चाहती हैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहती हैं उनके ड्रीम्स अचीव करने में हम अपनी पूरी सहन शक्ति उनको देना चाहती हैं तो इट्स एन ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट बींग वुमन इज तो दैट इज़ द रोल बट सबसे बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है कि वो एक पुलिस अफसर है और अगर हम पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं वो वर्दी पहनूं तो मैं एक ऐसा काम या ऐसा एग्जाम्पल शायद न सेट करूँ हाँ हम करप्ट कॉप्स भी प्ले करते हैं लेकिन दैट इज़ करप्ट लेकिन फिर मैं वो उसको ट्रू टू लाइफ लाऊँ कैरेक्टर को कि कोई ये नहीं कहे कि उसमें चूक गए आप क्योंकि आपने वर्दी तो पहनी लेकिन वो फेक था यार और वो ऐसे कैसे कॉप्स तो ऐसा नहीं करते हैं तो दिस इज़ अगेन अ रोल देट यू आर प्लेंग एंड वॉट यू आर पोट्रेइंग सो समटाइम्स दैट लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जिम्मेदारी जो होती है वो भी होती है कि हाँ बैच गलत नहीं पहन लिया कैप उल्टा नहीं पहन लिया दैट वी हैव टू बी केयरफुल उसमें ज़रूर थोड़ी एक एक झिझक रहती है कि यार इट हैज़ टू बी परफेक्ट कि अगर हम एक रोल कर रहे हैं हम हंड्रेड परसेंट उसको करें और परफेक्शन के साथ करें आप लोगों के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि आप तो लगातार परफेक्शन को चेज़ Uh, करती रही हैं आप भी uh, करते रहे हैं आपने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा तेलुगु सिनेमा तमिल सिनेमा भी किया है वहाँ पर भी क्या इतना ही प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे समाज क्या कहेगा या कैंसिल कल्चर का डर वहाँ पर भी है देखिए ये जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं प्रेशर अकेला लोग क्या कहेंगे का नहीं होता प्रेशर इस बात का होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं सिर्फ अंतर इतना है कि सिनेमा बनाते समय फिल्मकार अभिनेता क्या कहना चाहता है वो बात पहुंचाने का उनके पास प्रेशर होता है अब उस बात में वो बात आप तक पहुंची तो बहुत अच्छा है नहीं पहुंची उससे आप सहमत होते हैं नहीं होते हैं तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत होती है जैसे अगर मैं मैंने अपना करियर शुरुआत ही मैंने रेपिस्ट के रोल से की थी दुश्मन का गोकुल पंडित तो अब वो वो इतना भयंकर और इतना भयावह व्यक्ति था कि एक व्यक्ति के रूप में आपको ये पता लग जाए कि नहीं विलेन सिर्फ घोड़ों पर या गाड़ियों पर ही नहीं होते हैं। विलेन कॉमन मैन विलेन भी होता है जिसकी तरफ आप पलट कर आप देख भी नहीं सकते हैं तो उस नेगेटिव रोल को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया गया और दर्शकों तक यह पहुंचा कि यार ये व्यक्ति के रूप में अलग व्यक्ति है और व्यवसायी के रूप में अलग व्यवसायी है तो जो एप्रिसिएशन मिला वो कला को मिला तो तात्पर्य यह है कि आप जैसे डॉक्टर साहब को अब जैसे कोई डॉक्टर साहब आए तो आते ही साथ उनसे घर पे अगर भोजन करने आए तो यह तो नहीं कहते ना कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो अरे वो व्यक्ति है तो प्रोफेशन को व्यक्ति को और पर्सन को पर्सनालिटी को हमको अलग अलग करके देखने की आदत डालनी चाहिए और यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम जहां पर प्रोफेशन पर्सन person और पर्सनालिटी इसको इसका मिक्स मैच ना करें कलाकार का मतलब क्या होता है सर कलाकार का मतलब होता है जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को आप कलाकार कहते हैं यानी बीते है... हुए कल में गिल्ट्स होती हैं ग्लानियां होती हैं आने वाले कल में वरीज होती हैं चिंताएं होती हैं तो जो आपको चिंता मुक्त और ग्लानी मुक्त कर दे और आनंद से भर दे वर्तमान में लाके खड़ा कर दे उस क्षमता वाले व्यक्ति को आप कलाकार कहते हैं और दूसरी बात बंधु सिनेमा होता है मनोरंजन के लिए हम उसमें शिक्षा ढूंढते हैं और विद्यालय होते हैं शिक्षा के लिए हम उनमें मनोरंजन ढूंढ रहे हैं हम ढूंढ तो रहे हैं लेकिन सुई गुमी है यहां और चूंकि वहां पे लाइट है तो मैं प्रकाश में नहीं नहीं अंधेरे में नहीं दिखेगी सुई कहा दिखेगी बोले प्रकाश में दिखेगी साहब तो पूरा जीवन हम वहां पे ढूंढते रहेंगे सुई हमें वहां नहीं मिलेगी क्योंकि सुई यहां गिरी है तो शिक्षा में विद्यालय में शिक्षा प्रमुख है शिक्षा मिले मनोरंजन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है और सिनेमा में मनोरंजन प्रमुख है आपको शिक्षा मिल जाए तो बहुत आनंद की बात है बहुत ही सुंदर अब आप आप, बहुत ही सुंदर तो बस उतना ही मेरा निवेदन है बंधुवर कि यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी को अगर हम और आप किसी अन्य को समझाने की अपेक्षा मेरा इस चीज में विश्वास है कि सबसे पहले स्वयं को समझाने से शुरुआत करनी चाहिए कि यह गौरव का सत्य है और गौरव का सत्य उनके अपने अनुभव अपने जीवन पर आधारित है वो आशुतोष का सत्य नहीं हो सकता आशुतोष का सत्य अपने अनुभव और जीवन पर ऊपर आधारित है तो ये दो सत्यों की आपस में टसल नहीं है द्वंद नहीं है सर ये दो शब्दों की एक अंग्रेजी में एक शब्द आता है शेयरिंग ठीक है मतलब तो उस शेयरिंग को आप अंग्रेजी में तो उसका ये हुआ बांटना लेकिन हिंदी में बड़ा चमत्कारी अर्थ होता है बांटने का मतलब ये होता है कि हम आपको साझा भी कर रहे हैं और हम आपको सेपरेट भी कर रहे हैं कि ये बांटने वाली लाइन है तो मैं आपसे सेपरेशन की नहीं शेयरिंग की बांटने वाली बात को कर रहा हूं बंधुवर और, और आपके ही माध्यम से कर सकता हूं तो ये आप एजेंडा बनाइए कि आज से सिर्फ संवादों को ही प्रश्न दिया जाएगा और कोई व्यक्ति विवाद करते हुए अगर दिखा तो हम कहेंगे कि भाई तुम्हारी बाइट तो तु नहीं जाएगी हम लोग का प्रयास यही रहता है कि संवाद निरंतर चलता रहे लेकिन आप लोग तीनों मतलब तीन इतने बड़े कलाकार एक मंच पर हमारे साथ हिंदी जगत के महामंच पर हमारे साथ थे बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियां रवीना टंडन आशुतोष राणा श्वेता त्रिपाठी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत आभार